हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आ गए हैं आप। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। चलो स्टार्ट करा, क्या था टॉपिक? चलिए स्टार्ट कर ही लेते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले मैं आज को बता दूं, ये जो युग चल रहा है पैसों पर आधारित है। पहला मैंने वीडियो भी डाला था जिस पर आपका काफी प्यार मिला, काफी विश्वास भी मुझे दिखा कि आप लोगों ने मुझ पर जितना विश्वास किया, और जो वीडियो बड़ी के बारे में दिखाया था कैसे आप पैसे कमा सकते हैं, लेकिन ये ऐप से काम नहीं चलने वाला। लेकिन यदि आप घर बैठे ठाले हैं, हाउस वाइफ वगैरह हो गई आपकी, या फिर आप घर पे कोई रोजगार नहीं, तो आपको इतने से पैसे से काम नहीं चलने वाला। तो वर्तमान समय में ऑनलाइन से रिलेटेड जो काफी सारे तरीके चल रहे हैं, ऑनलाइन अर्निंग से जिनसे मैं खुद करता हूँ, बहुत सारे तरीके हैं, और वो तरीके आज मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या क्या तरीके हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ, ज्यादा डिटेल से तो नहीं बता रहा हूँ आज, तो मैं आपको तरीके बताऊंगा, फिर वन बाय वन करके उन तरीकों पर वीडियो लेकर आऊंगा, और आपकी अंगुली पकड़कर आपको रास्ते पर छोड़कर आऊंगा, और फिर आपको काम तो आपको खुद को ही करना है। सबसे पहले बता देता हूँ, सबसे पहला तरीका जो होता है YouTube वाला, सबसे बेस्ट YouTube पर अपना जो है जो भी टैलेंट है शेयर कीजिए और वीडियो डालिए, मोनेटाइजेशन ऑन होता है और उसके बाद में आपको पैसे मिलने लग जाते हैं। दूसरा चीज होता है स्पॉन्सरशिप। यदि आपका जो फैंस फॉलोइंग ज्यादा है तो आप स्पॉन्सरशिप से पैसे कमा सकते हैं। वो स्पॉन्सरशिप क्या होती है, ऐप वाले देते हैं, ऐप का रिव्यू करते हैं, और जो आपकी YouTube वगैरह पर अच्छा है जो है फैंस फॉलोइंग है, तो आपको जो है काफी अच्छे पैसे अर्निंग कर सकते हैं। तीसरा तरीका ऑनलाइन से रिलेटेड मैं बता देता हूँ, जो काफी इंडिया में काफी ज्यादा चलता है, डेटा एंट्री जॉब। अब डेटा एंट्री जॉब ऑनलाइन कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कुछ ही ट्रस्टेड वेबसाइट है जो आपको डेटा एंट्रीज करवाती है और आपको पैसे देती है, और वो किस तरह से पैसे देती है, जैसे मैं इंडियन वेबसाइट डिजिटल इंडिया की बात करूँ तो वो हर एक वर्ड के दो पैसे देती है। मतलब आप जो है एक से डेढ़ घंटे में, यदि आपकी टाइपिंग अच्छी है, तो एक से डेढ़ घंटे में जो है आप 100 रुपए कमा सकते हो, 5,000 वर्ड्स के 100 रुपए हो जाते हैं। तो यदि आप फुल्ली वर्क करना चाहते हो तो दो घंटे पार्ट टाइम में कर लीजिए, 2 घंटे ज्यादा नहीं, 200 रुपए कमाते तो महीने के 6,000 रुपए हो जाते हैं। और भी तरीके बता रहा हूँ वो भी साथ लेकर चलिए। तो इस तरह से डेटा एंट्रीज में एक्चुअली जॉब क्या होता है, आपको जो है अपनी जो है कंपनी की डेटा वगैरह एंट्री करनी होती है। तीसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, अफिलिएट मार्केटिंग। एक्चुअली अफिलिएट मार्केटिंग है क्या चीज़ है और इस पर किस तरह से अकाउंट क्रिएट करते हैं वो तो मैं वीडियो बाद में लेकर जाता हूँ। सबसे पहले अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बता दूँ, मान लीजिए आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन जो भी है, आपकी फैंस फॉलोइंग ज्यादा है, आपको लोग ट्रस्ट करते हैं, आप फेसबुक पर या फिर अपने जो गूगल पर या अपने परिवार पर, जो आपका परिवार आप पर ट्रस्ट करता है, या फिर आपने जितने भी लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं, आपका यूट्यूब चैनल है, आप वीडियोस देते हो, जो भी काम करते हो, आपका कोचिंग सेंटर है, स्कूल है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको एफिलिएट मार्केटिंग में एक्चुअली करना क्या होता है, फ्लिपकार्ट अमेजोन आपका अपना नाम सुना होगा, फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजोन हुआ, बहुत सारे जो है bengo.in हुआ, इस तरह के जितने भी एप्लीकेशन है, थोड़ा सा रुकिएगा, इस तरह के जितने भी एप्लीकेशन है, सॉरी, तो इस तरह के जो भी जितने भी का जो है एप्लीकेशन है जो आपको ऑनलाइन शॉपिंग पर आधारित है, तो आप मान लीजिए एफिलिएट हुआ। तो अब एफिलिएट मार्केटिंग है क्या चीज़? अब एक्चुअली सभी ऐप जो है, जो शॉपिंग की ऐप है, उन्होंने अपना एक एफिलिएट प्रोग्राम दे रखा है। उसके थ्रू क्या होगा कि आपने अपने ऐप को जो है लिंक जो है बनानी है, जो आपने जो भी प्रोडक्ट है वो सर्च करना है, अपने अकाउंट में डालना है, उसकी एक लिंक बन जाएगी, लोगों को शेयर करना है, फ्लिपकार्ट पर जाकर वो जैसी उस प्रोडक्ट को खरीद लेंगे, उस प्रोडक्ट्स में से आपको 20-25% पैसे आपके अकाउंट में आएंगे, जैसे 1,000 रुपए हो जाएंगे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। अब एक्चुअली यही नहीं कि लिंक पर क्लिक किया वही प्रोडक्ट खरीदे, मान लिया आपने जो आपने किसी प्रोडक्ट की, किसी HP लैपटॉप के लिंक जो है बनाई, और उस लिंक को जो है आपने जो है क्लिक किया, जैसे आपने उस लिंक पर क्लिक किया, उस क्लिक करने के बाद में उस बंदे ने जो भी खरीदा हो उसे क्लिक करके, आप जैसे क्लिक करके फ्लिपकार्ट पर चला गया, तो जरूरी नहीं कि वो लैपटॉप ही खरीदे, क्लिक करके जाने के बाद वो कुछ भी खरीदो एवरीथिंग कुछ भी खरीदो, उसका बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत आसान प्रोसेस है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लेकर आऊंगा किस तरह से आप बना सकते हो और किस तरह से इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, क्या है ये सारा फंडा, किस तरह से हम काम करें, बहुत ही अच्छा है। यदि आप लोग ट्रस्ट करते हैं तो जो जरूर खरीदेंगे, 25% आपको हर शेयरिंग में मिलता रहेगा, और कई बार 25% ज्यादा मिलता है, वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट की महंगाई कितने पैसे का है। तो सबसे पहले अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट तरीके की। नेक्स्ट तरीका फ्रीलांसर। एक्चुअली फ्रीलांसर है क्या मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए फ्रीलांसर जो है इंडिया में बहुत सारी जो है, हमारे अंदर बहुत सारा टैलेंट भरा हुआ है, इंडिया के लोग तो कहते हैं कि टैलेंट भरा हुआ, लेकिन बाहर निकालने के लिए मौके नहीं मिलते। देखिए दोस्तों मौके मिलते नहीं, मौके आपको बनाने पड़ते हैं। अब एक्चुअली क्या हो रहा है, आपको टेक्निकल से रिलेटेड कोई भी टैलेंट, आप अच्छी टाइपिंग कर सकते हैं, आप अच्छे जो है जो भी फोटोग्राफी कर सकते हैं, आप अच्छे ग्राफिक्स डिजाइनर है, जो भी आपको काम है, जो एक ही कोई सा भी टैलेंट हो
उस टैलेंट को लेकर आप जो है ऑनलाइन आइए, उस टैलेंट को लेकर क्या होगा, फ्रीलांसर जो आपको कुछ सुविधा उपलब्ध कराती है, वो सुविधा किस तरह से उपलब्ध कर, वो आपको काम देगी। मान लीजिए आपका टाइपिंग का काम है तो आपको जो है टाइपिंग अच्छी है तो आप उसको कुछ टाइप करवाते हैं, नोट्स वगैरह टाइप करवाते हैं, उसके आपको काफी अच्छे पैसे देती है, और लोग जो है 80,000 रुपये 40,000 रुपये, इसमें पैसा एक्चुअली बहुत ज्यादा है। अब इसके बारे में झूठ नहीं बोलूंगा, इसमें पैसा एक्चुअली है ही बहुत ज्यादा। यदि आप डेली वर्क करते हो बहुत ज्यादा पैसा है, जो भी आपका टैलेंट है वो सर्च कीजिए, और इसमें बहुत सारे जो है टैलेंट है, यदि आप घर पर बैठे जो है तो आप इसमें जो है कर सकते हैं अच्छी तरह से। जो मान लीजिए आपको फोटोग्राफी का है तो आप कंपनी फोटोग्राफी करवाती है या फिर ग्राफिक्स का, तो बैनर पोस्टर वगैरह आपसे बनवाती है, और जैसे ही बैनर पोस्टर वगैरह दे दिए तो आपको जो क्या है कि पैसे मिलने लग जाएंगे। आप कुछ वेबसाइट है जो ट्रस्टेड है वो मैं लेकर आऊंगा, सभी पर आप ऐसे अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि वो आपको कुछ काम करवा लेती है, आपको पैसे नहीं देती। 3-4 है जो जो ट्रस्टेड है, मैंने खुद ने जो इनिंग की है वो ही वेबसाइट में आपको बताऊंगा। अब सबसे पहले फ्रीलांसर के बारे में समझा देता हूँ कि है क्या भैया, क्यों दे रही है कंपनी पैसे। अब एक्चुअली जो बाहर की कंपनियां है, विदेश विदेश की कंपनियां है या फिर इंडिया की कंपनियां है, वो ये सोचती है हमने किसी काम को करने के लिए, टाइपिंग करने के लिए एक बंदे को रखा। अब यार टाइपिंग का काम उनके पास डेली नहीं होता है, उन कंपनियों के पास, उनके पास टाइपिंग का काम या फोटोग्राफी का काम कभी कभी आता है, बैनर पोस्टर डिजाइन करना उनका डेली का काम तो है नहीं, तो कभी कभी उनके पास काम आता है, उसके लिए किसी बंदे को रखिए अपने पास जॉब के लिए ऑफिशियली, तो उसको मंथली सैलरी देनी पड़ती है, चाहे उस कंपनी के पास काम हो या ना हो, उसको मंथली सैलरी देनी पड़ती है। उसने काम भले ही 2 दिन करवाई लेकिन सैलरी तो महीने में 30 दिन की देनी होती है, क्योंकि कंपनी के पास इस तरह का काम जो डेली नहीं होता है, कभी कभी ऐसा काम आता है, और 8 घंटे की सैलरी की इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती, और होली दीपावली का अलग से खर्चा जो है, जो बंदा नौकरी लग रहा है उसके लिए थोड़े से बेनिफिट्स अलग से देने पड़ते हैं, इतनी सारी सैलरी, और वो इतनी सारी सैलरी नहीं देती है वो बड़ी बड़ी कंपनियां, तो वो क्या करती है फ्रीलांसर को जो है ज्वाइन करती है, और उनको कहती है वहां पर अपने काम डाल देती है कि ये काम जो बंदा हमें करके देगा हम उनको इतने पैसे दे देंगे, इतने पैसे दे देंगे। इस तरह से बहुत सारी टाइपिंग का काम है, तो 15-20 कंपनियां डेली के डेली इस पर वर्क होता है, बहुत सारा काम है, तो इस तरह से आपको काम करवाती है, और बहुत ही अच्छा तरीका है। यदि आपके अंदर कोई भी टैलेंट है, एवरीवन पढ़ाई का जो भी टैलेंट है, एवरीवन कोई भी टैलेंट आपके अंदर है, तो प्लीज लेकर आइए, बहुत ही अच्छा तरीका है फ्रीलांसर का, और किस तरह से करना है अंगुली पकड़कर मैं लेकर चलूंगा आपको, ये गारंटी देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो है आने वाले वीडियोज में मैं जल्दी ही इसके ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा, किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं प्रोफाइल। अब कुछ नहीं करना होता है इसके अंदर, आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है। देखिए प्रोफाइल यदि आपको काम करना है अच्छे से मन लगाकर तो ही प्रोफाइल क्रिएट कीजिए, वरना मत कीजिए, मत आइए ऑनलाइन, आपको कोई फायदा नहीं है, आप किसी का प्रोजेक्ट खराब करोगे, उसका काम खराब करके दोगे, आपको वो पैसे नहीं देगा, और आपका जो काम खराब कर दोगे, और आपको पैसे मिल भी गए तो अगले का काम बहुत बेकार हो गया, तो प्लीज आपको हिम्मत नहीं है काम करने की, तो प्लीज मत आइए, जबरदस्ती का कोई तरीका नहीं मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरा ऐप होता है, बहुत सारे ऐप के थ्रू आप इर्निंग कर सकते हैं, इसी तरह से बहुत सारी और भी इर्निंग आइडियाज है, तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। यदि और कुछ इंपॉर्टेंट हुआ, अभी रिसर्च चल रही है कुछ वेबसाइट पर, यदि वो ट्रस्टेड हुई तो उस पर भी मैं आपको भी ले लेकर आऊंगा, जैसे हमारी रिसर्च कंप्लीट होती है तो उस पर जरूर लेकर आऊंगा। जैसे पेमेंट प्रूफ आ जाता है, उसका पेमेंट आने वाला, जैसे पेमेंट प्रूफ आ जाता है तो मैं आपको ऊपर उस पर वीडियो लेकर आऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखना ना भूले और अपने दिल की बातें लिखना ना भूले। तो दोस्तों मैं शंकर आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।